अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। मुझे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमने सीख लिया है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की, पूरी हमने ट्रेनिंग ले ली है, लेकिन अब क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। तो क्लाइंट्स लेने के क्या तरीकाकार हैं? तो आपको पता होगा मशहूर ज़माना जो तरीकाकार आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं वो है, या वो अपवर्क पे जाते हैं या वो फाइबर पे जाते हैं। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट को, सुनने वालों को, कि जब वो कोई भी स्किल सीख लें, चाहे वो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कुछ भी है, चाहे कैनवा है, फाइबर पे जाओ, क्लाइंट ही क्लाइंट है। हाँ, मसले कहाँ आते हैं? हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि जब हमने अमेज़ॉन की ट्रेनिंग ली है ना तो डॉलरों की बारिश होगी। जब हम फाइबर पे जाते हैं तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। वहाँ पे कंपटीशन है और लोग भी सर्विसेज दे रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फाइबर होता क्या है। और सारे कहते हैं नहीं, फाइबर से पैसे कमाएं। ठीक है, फाइबर से पैसे नहीं कमाए जा सकते, फाइबर पे पैसे कमाए जा सकते हैं। कैसे? बिल्कुल उसी तरह के अमेज़ॉन पे पैसे कमाए जा सकते हैं। कैसे? दुकान खोल के। फाइबर पे पैसे कमाए जा सकते हैं फाइबर पे अपनी दुकान खोल के। आप फाइबर पे बेचते क्या हो ये मैटर करता है। जिस तरह अमेज़ॉन में हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, फाइबर के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने बेचना क्या है। वहाँ पर आप अपने स्किल्स बेचते हो। ठीक है, अब पहली बात, उन लोगों के लिए फाइबर है ही नहीं जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है। जिनके पास स्किल ही नहीं है वो फाइबर पे क्या बेचेंगे? बेसिकली फाइबर और अपवर्क, ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। इनके ऊपर पैसे कमाने के लिए आपके पास कोई हुनर होना चाहिए जिसे आप बेच के पैसे कमा लें। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट इज कि आपके पास पहले स्किल है, फिर ये प्लेटफॉर्म है, फिर आप इससे पैसे कमाएंगे। अगर आप कहें नहीं फाइबर से पैसे कमाओ, फाइबर तक कोर्स कर लो, हम क्यों अभी तक फाइबर की ट्रेनिंग नहीं करवा रहे थे? पहले हम आप लोगों को चाहते थे कि आप लोग स्किल सीख लो। अब माशाल्लाह हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं जो कि स्किल सीख रहे हैं, प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग्स चल रही हैं, ड्रॉप शिपिंग की ट्रेनिंग चल रही है, होलसेल की चल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग की चल रही है, कंटेंट राइटिंग की चल रही है। अब माशाल्लाह हमारे पास एक समंदर है स्टूडेंट्स का जिनके पास स्किल आ गया है। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि अब हमें इस लेवल पे जाना है कि उन सबको मूव करना है कि भाई आ जाओ फाइबर पे, अपना अकाउंट ओपन करो और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करो। काम वही है, कान इधर से पकड़ लो या पीछे से घुमा के पकड़ लो। अमेज़ॉन पे हम प्रोडक्ट बेचने के लिए लिस्ट लगाते हैं, फाइबर के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, हम गिग बनाते हैं, GIG, इसको गिग कहते हैं। कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान है। अभी आप जाके फाइबर fiverr.com पे जाएं, वहाँ पे लिखा होगा जी साइन अप पे क्लिक कर दो। वो आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, आप उसे डाटा प्रोवाइड करो, आपका हो जाएगा फाइबर का अकाउंट साइनअप। अकाउंट साइनअप हो गया, अगला काम होता है। इसमें दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एज ए बायर अकाउंट होता है, एज ए सेलर अकाउंट होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेज़ॉन पे होता है। ठीक है, सो वहाँ पर ही वो आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि रजिस्टर एज ए सेलर, और आप उस पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर जाके आपसे जब बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका एक सेलर अकाउंट बन जाएगा। कहाँ पर? फाइबर के ऊपर। फाइबर के ऊपर अब आपको पता होना चाहिए, आप अपनी स्किल के अंदर इतने माहिर हो कि आपको पता हो कि आप क्या बेचने जा रहे हो, प्लस आपको ये पता हो कि मार्केट में डिमांड उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की क्या है जिसे आप बेचने जा रहे हो। उसका आसान तरीका ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे आप एक कंटेंट राइटर हैं या आप अमेज़ॉन VA हैं, तो आप क्या करेंगे, एज ए बायर पहले जाएंगे, अमेज़ॉन VA लिख के सर्च करेंगे कि लोगों ने किस तरह की अपनी सर्विसेज सेल करने पर लगाई हुई हैं। कुछ लोग अपनी ट्रेनिंग सेल कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं कि जी मैं आपको PPC कैंपेन्स लगाने की सर्विस दे सकता हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विस दे सकता हूँ। आप उनको स्टडी करें, उस पर क्लिक करें, एज ए बायर देखें। उन्होंने आगे तीन ऑप्शंस लगाई होती हैं, बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम, या इस तरह की तीन ऑप्शंस होती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखें क्या सेम सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए कॉन्टेंट राइटर या एज ए अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। जो तो आपको लगता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, यही तो मैंने सीखा है, आप क्या करें, उसी तरह की एक गिग तैयार करें। गिग में आपको एक इमेज भी तैयार करना होता है, जो कि जिस तरह हम प्रोडक्ट लगाते हैं अमेज़ॉन पे तो उसकी एक बाकायदा पिक्चर्स होती हैं, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह गिग के अंदर भी है। आपने अपना एक अच्छा सा इमेज बनाना है जिसे हम थंबनेल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइबर का उसे आप गिग का एक इमेज कह सकते हैं, वो आपने बड़ा अट्रैक्टिव बनाना है कि कस्टमर देखे कि यार इसको क्लिक करके मैं देखूं ये क्या सर्विसेज दे रहा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इतना कुछ भर देते हैं अपने गिग के इमेज में कि वो बंदा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इधर आलू चने भी मिल रहे हैं, फ्रूट चाट भी मिल रही है, समोसे भी मिल रहे हैं, पकौड़े भी मिल रहे हैं, क्या बंदा है यार ये। ठीक है, सो अपने आप को स्पेशलाइज रखें, हर चीज़ की एक सेपरेट गिग लगाएं, PPC की अलहदा,
प्रोडक्ट लिस्टिंग की अलहदा, जो जो आप सर्विसेज दे सकते हैं उसकी अलहदा अलहदा गिग बनाएं। गिग बनाना बहुत आसान है, ठीक है, वहीं पर ही प्लस का साइन होता है। आप गिग पे जाएंगे, वो आपसे चीज़ें मांगना शुरू कर देगा कि भाई ठीक है मुझे बताओ कि आई विल डू दिस फॉर यू। आप अपने क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हो, आप कहते हो आई विल मेक अ प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर यू, आई विल हंट अ प्रोडक्ट फॉर यू, आई विल मैनेज PPC फॉर योर Amazon अकाउंट। जो आप कर सकते हो ना, आपने वो लिखना है गिग का टाइटल। ये हो गया गिग का टाइटल। उसके बाद मजीद आपसे डिस्क्रिप्शन पूछता जाएगा कि भाई आपने, आपके पास सिर्फ बेसिक प्लान है बेचने के लिए, और फॉर एग्जांपल अगर आप कोर्स सेलिंग की बात करो तो आपके पास तीन ऑप्शन है कि सर अगर आप मेरे से ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके ये चार्जेस हैं, अगर आप मेरे से रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं उसके ये हैं, अगर आप मेरे से फेस टू फेस लेना चाहते हैं उसके ये हैं। सो तीन तरह की अगर आप सेम सर्विस के अंदर बेच रहे हो तो हम उसमें जिस तरह अमेज़ॉन के अंदर वेरिएशन होती है ना, इस तरह यहाँ पर भी आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, तीन प्लान होते हैं, आप तीनों की प्राइस डिफरेंट रखते हो। फाइबर में अच्छी बात ये होती है क्लाइंट आपको ढूंढ के आता है, जिस तरह अमेज़ॉन पे क्लाइंट खुद आता है प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, इसी तरह फाइबर पे भी क्लाइंट खुद आता है। सो आपका काम होता है, आपने गिग तैयार करनी होती है और गिग के ऊपर फिर इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं वहीं पर ही आपने मेंशन किया होता है कि ऑर्डर मैं 7 दिन में पूरा कर सकता हूँ, 3 दिन में कर सकता हूँ, 2 दिन में कर सकता हूँ। सो वहाँ पर आपकी बायर के साथ चैट भी होती है, अपनी सर्विसेज शेयर होती हैं, आप वहाँ पर अच्छे तरीके से काम करते हो। पहला ऑर्डर आता है, दूसरा ऑर्डर आता है, काम चलता जाता है, आपकी एक हिस्ट्री बनती जाती है फाइबर के ऊपर, आपकी रेटिंग्स बढ़ती जाती हैं और आप Level 1, Level 2 के सेलर बनते जाते हैं वक्त के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस टाइम डिफरेंट लेवल्स पर बैठे हैं और क्या बेच रहे हैं, Amazon VA की सर्विसेज, चूना नहीं लगा रहे, लोगों को बकायदा सर्विसेज दे रहे हैं। सो आपको भी ये चीज़ समझनी है, अगर आप फाइबर से पैसा कमाना चाहते हैं तो फाइबर से नहीं कमा सकते, पहले कोई स्किल सीखनी है, स्किल कहीं से भी सीख लें। हम लोग भी सिखाते हैं, Amazon प्राइवेट लेबल का कोर्स करवाते हैं, होलसेल का, ड्रॉप शिपिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, नीचे मैनेजर का नंबर है आप कॉल करके सीख सकते हैं। हमारी ना सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं, बल्कि अब हमने फेस टू फेस भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमारा लाहौर में फेस टू फेस हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, कराची में हो रही हैं, चिन्हौट में हो रही हैं और दुबई में हो रही हैं। बड़ी एक अच्छी बात है दुबई में रहने वाले पूरे UAE के रहने वालों के लिए कि अगर वो वहाँ रहते हैं और मेरे से फेस टू फेस Amazon प्राइवेट लेबल सीखना चाहते हैं तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है वो 19, 20, 21 को 3 दिन की हमारी स्मार्ट Amazon ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें 12 घंटे की ट्रेनिंग होगी और 12 घंटे सीखने के बाद यहाँ सिर्फ आप अपना Amazon पर ब्रांड लॉन्च कर देंगे और अगर पैसे ना हुए तो आप लोगों को सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। और ये जो लोग बेचारे वहाँ पर जॉब में फंसे हुए हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपना कारोबार करें लेकिन ख्वाब रखते हैं कि वो कुछ करें, तो ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो एक स्किल सीख लेंगे और उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए हैं वो एक टीम बना के पार्ट टाइम में उनको चलाना शुरू कर देंगे, तो आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और जब Amazon की अर्निंग आपकी इतनी हो जाए कि आपकी जॉब की अर्निंग कम हो जाए तो आप चाहें तो इसको क्विट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। और अगर आप दुबई में रहते हैं और ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 से 15 स्लॉट्स हैं हमारे पास सिर्फ दुबई में, उसमें से भी काफ़ी फिल हो गई हैं। सो पहले आएँ पहले पाएँ, नीचे मैनेजर का नंबर है, अभी अपनी सीट को रिजर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।